सियासत से सामाजिक सरोकार तक, जो दिखाता है देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर, जमीनी हकीकत से कराता है आपको रूबरू। अब जल्द आ रहा है टाटा स्काई और एयरटेल पर नेशन वन, देश की आवाज। दोस्तों, पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने भले ही अभी तक पाकिस्तान के खिलाफ कोई सख्त कदम नहीं उठाए हों, लेकिन पाकिस्तान तो भारत के छोटे कदमों से ही बौखला गया है। जब से भारत ने पाकिस्तान निर्यात किए जाने वाले सामानों पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को 200% तक बढ़ा दी है, तब से पाक का मुंह देखने लायक हो गया है। वहीं भारत के शहीद जवानों का बदला लेने के लिए देश के किसानों ने भी अपना टमाटर पाक को भेजने से साफ इनकार कर दिया है, जिससे पाक एक टमाटर के लिए बौखला रहा है। इसका सबूत ये वीडियो है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी टीवी पत्रकार का ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। पाक टमाटर के बिना कितना परेशान है, वो आप इस पत्रकार की बातें सुनकर समझ सकते हैं। हिंदुस्तान ने टमाटर बंद करके क्या सोचा है कि पाकिस्तानी जिंदा नहीं रह सके? पाकिस्तान एक जिंदा बहादुर कौम है, पाकिस्तान टमाटर के बगैर भी जिंदा रह सकते हैं। लेकिन इंडियन मीडिया को और इंडियन अवाम को और इंडियन सवा अरब आबादी को ये याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, और ये एटम आप ड्रैग रूम में सियाने के लिए नहीं बने। ये एटम हथियार जो है ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए बनाए गए हैं, और तमाम इंडियन इस वक्त तोबा करें। मैं खुद भी तोबा कर रहा हूँ, और इंडिया तोबा करें। तोबा का ये मकाम है, और इंडियन पाकिस्तानी कौम कैसे माफी मांगे, और जो उन्होंने हरकतें की है मीडिया पर उसकी माफी मांगे और तोबा करें। जी, पाकिस्तानी बहादुर कौम है, और इंडियन कौम को इस वक्त तोबा करना चाहिए। मैं भी तोबा करूंगा कि हिंदुस्तान जिस तरह जंगी राब जो अलाप रहे हैं, जिस तरह जंगी जुनून पैदा कर रहे हैं, उनको ये पता नहीं है कि वो किस बहादुर कौम से उनका मुकाबला है। और पाकिस्तानी एक जिंदा और बहादुर कौम है, और हिंदुस्तान को याद रहिए कि इससे पहले कि पाकिस्तान के F-16 तैयारे जंगी जहाज, पाकिस्तान के मिसाइल, पाकिस्तान के एटमी हथियार हरकत में आए, भारत को खड़े हो जाना चाहिए। और हम ये टमाटर मोदी के मुंह पर मारते हैं, हम ये टमाटर जो है राहुल गांधी के मुंह पर मारते हैं, ये प्रियंका और सोनिया गांधी के मुंह पर मारते हैं। हमें आपके टमाटर नहीं चाहिए, हमारे पास एटम बम है। तोबा का करो, उस वक्त से डरो जब ये एटमी हथियार इस्तेमाल हो जाएंगे। तोबा। तो सुना आपने किस तरह तौबा करते हुए पाक का ये पत्रकार भारत को टमाटर के नाम पर बॉम्ब से डराने की कोशिश कर रहा है। आपको बता दें कि पाक के इस पत्रकार का नाम कैसर खोकर है। पाक के इस पत्रकार की बातों से साफ है कि पाक के इरादे कभी भी भारत के लिए पाक नहीं हो सकते। नेशन वन से सुष्मिता मुखर्जी की रिपोर्ट।